एक गांव में बहुत विशाल सांप निकल गया था, जिसके कारण से हम लोग को कांटेक्ट किया गया था और जंगल विभाग बोला हम लोग पहुंच कर इसको पकड़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे यह सनेक है जो कि एक अंदर घुस गया है। इसको पूरी अच्छी तरह से हम लोग को इसको पकड़ेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसको पूरी जानकारी आप लोग को बताएंगे किस तरह से इसको पकड़ा जाता है। यह बहुत खतरनाक सांप रहता है, इसको काट लेने से आप लोग को जान भी जा सकती है। इसको काट लेने से आप लोग तुरंत सदर हॉस्पिटल में जाकर आप लोग को सुई एक ले लेना, जिसके कारण से आप लोग बच जाइएगा। लेकिन अगर आप यही आप लोग झाक फूक में रहिएगा तो आप लोग को जान भी जा सकता है। तो इसको चल बने रहिएगा, देखेंगे आप लोग देखिए किस तरह से इसको हम लोग लास्ट तक बने पकड़ेंगे। अगर उससे पहले अगर कोई भी मेरा चैनल पर फर्स्ट बार आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि इस तरह से वीडियो कोई भी आए सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, अगर आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी बताएंगे। इधर पलटी है, इसके बीच में था टेढ़ा एक रहा था। पलटी कराओ। अरे होए, नहीं देखे पानी देख ले, अब काल ले जपा है उससे नहीं उठेगा। हां 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 बाबा, अब हुई आप इधर पलट दीजिए, पलट दीजिए, आप उधर ये देखा, ये घसिए जाओ, आप इधर ही आ जाएं। इसमें भी हो सकते हैं, बिल ज्यादा डोली ना सकत रहा, वो खुद जो है आपके देख जो है वही जगह है ये है। हां यहां चला गया, वाह वाह, अरे भाई बहुत डेंजर, बहुत खुदा दे यार, अच्छा भाई बहुत सांप कहां थे भाई। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बेचारा बेजुबान खुद छिपने के लिए कहीं भी जा सकता है, वो अंदर जाता है। ऐसे में चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा निकालते हैं बाहर की तरफ, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई थोड़ा सा दूर ही था। बहुत आराम से खाइया, एकदम आराम से खाइया, जा 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 आए दे। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और इसी को नाक कहते हैं। और दोस्तों काफी ये बिग साइज का है, अरे यार बहुत डेंजरस है, ठंडक लगी हुई है। तो दोस्तों इसको छिपने की जगह नहीं मिल पाई और इसलिए आप देख सकते हैं ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी ठंडक का महीना आता है तो भी इन बेजुबानों के लिए काफी दिक्कत होती है और काफी समस्या पैदा होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेढ़ साल तो जब ऐसा बेजुबान अगर आपको दिखाई देता है तो आप ही बचा सकते हैं। डेढ़ साल अगर आप जैसे नहीं बचाते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। और दोस्तों इनको मारना नहीं चाहिए, ठंडक के महीने में भी इनको दिक्कत होती है, गर्मी के महीने में भी इनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये ठंडक से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि इतना काफ़ी विशाल काय इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप जो इतना जहरीला है, बहुत सारे एलियन बुला लेंगे ना, एक बार मम्मी हम ना आए तो बाबू और मम्मी जाने।
फाइनली हम लोग इसको पकड़ लिए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना विशाल सांप था। यह अंदर ही जाना कोशिश कर रहा है, जिसके कारण हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं। आप लोग किसी तरह से इसलिए सांप लोग दिखाए तो आप लोग जंगल विभाग के द्वारा से आप लोग कॉन्टैक्ट करके, वहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुला सकते हैं। यह हम लोग का पकड़ने का काम, इसको मारना नहीं। आप लोग को इस जंगल में इसको छोड़ा जाता है, जिसके कारण से यह आप लोग को जंगल में ही रहना है। किसी तरह से भटक के आ जाता है गाँव में, जिसके कारण हम लोग इसको पकड़ कर फिर जंगल में ही ले जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे इसको अच्छी तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, इसको पकड़ के आप लोग को दिखाते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यह देखिए कितना जहरीला सांप था, जो कि बहुत दिन से अंदर में यह रहा था। एक केंचुर दिया था, अभी केंचुर से बाहर किया हुआ, तो यह बहुत विशाल सांप था जो कि हम लोग निकाल लिए हैं।